क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटिव इन मैथमेटिक्स वी यूज़ क्वान्टिटिव डेटा क्वालिटीटिव डेटा इज फर्दर डिडेड इंटू डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस इसको किस में डिवाइड करते हैं टू में डिवाइड करते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस द डेटा दैट कैन बी काउंटेड सच एज टेस्ट मार्क रन्स स्कोर एट्सेट्रा आर नोन एज डिस्क्रीट डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं जैसे कि रन्स है या किसी का स्कोर है वो क्या कहलाता है डिस्क्रीट डेटा द डेटा दैट आर ऑप्टेन फ्राम अ मेजरमेंट इन विच देर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन लाइक वेट हाइट आर नोन एज कॉन्टीन्यूस डेटा जैसे कि वेट और हाइट अप्रोक्सीमेट जैसे हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है कॉन्टीनस डेटा तो यहाँ पर क्वान्टिटेटिव डेटा को टू में डिवाइड किया गया है डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट मीन्स जैसे रन से अगर फिक्स वैल्यू उसको हम काउंट कर सकते हैं ये हो जाएगा कॉन्टीन्यूस डेटा नेक्स्ट हमारा फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्व द फॉलोइंग रन स्कोर बाय मोहित मोहित ने जो रन स्कोर किए हैं वो दे रखे एज द डेटा शो सम स्कोर अकर मोर देन वंस इन द सेट ऑफ डेटा कुछ रन ऐसे हैं जो बार बार अकर हो रहे हैं जैसे थर्टीन है ये बार बार अकर हो रहा है फोर्टी टू है ऐसे कुछ रनस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे फ्रीक्वेंसी कहलाएगी द नंबर ऑफ स्कोर और मेजरमेंट अकरिंग इन द सेट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ स्कोर और मेजरमेंट जो कि अकर हो रहा है या बार बार आ रहा है वो क्या कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी तो द टेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन के ये रन है ये टेली है मीन्स कितनी बार सेवन रन बनाया वन टाइम टेन कितनी बार वन टाइम थर्टीन रन फोर टाइम फिफ्टीन रन वन टाइम तो हमने इस तरीके से एक टेली मार्क्स को वो बना ली अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सेवन कितनी बार आ रहा है कितनी बार स्कोर किया है वन टाइम तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन हो जाएगी टेन की क्या हो जाएगी वन हो जाएगी थर्टीन की फोर हो जाएगी फिफ्टीन की वन सेवनटीन की वन तो ये नंबर ऑफ टाइम जो हो रहा है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट हमारा रेंज इट इज डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा और ऑब्जर्वेशन जो हाइस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगी उसकी रेंज जैसे कि कितने रन स्कोर किए फिफ्टी एंड लोएस्ट क्या थे सेवन तो रेंज क्या हो जाएगी फिफ्टी माइनस सेवन यानी फोर्टी थ्री एग्जाम्पल लेते हैं द फॉलोइंग आर द मार्क्स फॉलोइंगय थर्टी फाइव स्टूडेंट ऑफ क्लास आउट ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड थर्टी फाइव स्टूडेंट ने ये मार्क्स ऑब्जर्व किए इसको हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करना है हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन कितने कितने मार्क्स हैं टेन है ट्वेंटी है फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्सटी थ्री सेवेंटी फाइव एंड एटी अब टेली मार्क्स भी टेन कितनी टाइम्स है तो हम यहाँ पे देख लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमने यहाँ पे सिक्स लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसकी फ्रिक्वेंसी सिक्स हो जाएगी ट्वेंटी कितना है टू टाइम्स तो टू लिख दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टू लिख दी फिफ्टी फाइव कितना है ये हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट एट टाइम सिक्सटी हो जाएगा फाइव टाइम तो इस तरीके से हमने इनकी फ्रीकवेंसी टेबल में अरेंज कर दिया अब इसकी रेंज निकालनी है तो रेंज क्या होती है हाइस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हाईस्ट कितना है एटी एंड लोएस्ट कितना है टेन तो एटी माइनस टेन सेवेंटी हो जाएगी इसकी रेंज नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ डेटा कैसे ग्रुपिंग करते हैं डेटा की वो समझेंगे वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा बट इफ द नंबर ऑफ डेटा इज है देन वुड बी डिफिकल्ट टू लेंदी टू यूज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर डेटा बहुत लेंदी है बहुत लंबा है तो उसको अरेंज करने में मुश्किल होती है देरफोर इन दिस केस द डेटा कैन बी कंडेंस इन टू द फॉर्म विच आर कॉल्ड ग्रुप और क्लास हम क्या करते हैं उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ना ऑब्जर्व द फॉलोइंग मार्क्स ऑबटेन बाय 25 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 25 स्टूडेंट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं अब हमने क्या किया है इन मार्क्स को एक ग्रुप में डिवाइड किया है थर्टी से फोर्टी का ग्रुप है फोर्टी से फिफ्टी फिफ्टी से सिक्सटी सिक्सटी से सेवेंटी इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया है तो थर्टी से फोर्टी के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क है थ्री तो हमने यह थ्री लिख दिया फोर्टी से फिफ्टी टू है तो हमने 2 टू लिख दिया फिफ्टी से सिक्सटी यहाँ पे जीरो है तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया फिर सिक्सटी से सेवेंटी के फाइव है इसका है इस तरीके से तो इस तरीके से हमने ग्रुप बना के मार्क्स को अरेंज कर दिया तो टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए ट्वेंटी फाइव तो ग्रुप बना के हमने जितने भी मार्क्स हैं उनको अरेंज किया है नेक्स्ट है क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल क्या होता है द ग्रुप थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी एंड सो आर आर टर्म एज क्लास इंटरवल तो ये क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल थर्टी से फोर्टी फोर्टी से फिफ्टी फिफ्टी से सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी इस तरीके से ईच क्लास इंटरवल इज बाउंडेड बाय टू फिगर नोन एज क्लास लिमिट ये क्या होती है क्लास की लिमिट एक होगी हायर लिमिट और एक लोअर लिमिट द क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ क्या होगी लोअर लिमिट 40 अपर लिमिट। अगर की या, क्या होगा? अपर लिमिट, में से हम लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगी क्लास साइज और विध इज द डिफरेंस ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास अगर थर्टी से फोर्टी है तो हम फोर्टी माइनस थर्टी करेंगे तो टेन आ जाएगी इज द क्लास साइज और क्लास इंटरवल फॉर थर्टी टू फोर्टी नेक्स्ट है क्लास मार्क क्लास मार्क इज द मिड वैल्यू और एवरेज ऑफ द क्लास इंटरवल फॉर एग्जाम्पल द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल थर्टी टू फोर्टी क्या हो जाएगी एवरेज निकाल देंगे थर्टी प्लस फोर्टी डिवाइड बाई टू दैट इज सेवेंटी डिड टू थर्टी ये क्या हो जाएंगे क्लास मार्क्स या उसका एवरेज नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी आर टर्म एज एक्सक्लूसिव इन दिस क्लेस the upper limit of the class interval is the lower limit of its succeeding class interval in this case upper limit of the class is not included in the class therefore the class interval 30 to 40 40 is not counted in this case exclusive 30 to 40 then 40 to 50 है. 40 is class upper limit of the class lower limit but फोर्टी जो नंबर है वो इसमें काउंट नहीं होगा थर्टी टू फोर्टी में वो नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा नेक्स्ट है इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन थर्टी टू फोटी फोर्टी वन टू फिफ्टी वन फिफ्टी टू टू सिक्सटी टू आर टर्म एज इंक्लूसिव इन दिस केस द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास इंटरवेल देफो इन द क्लास इंटरवल थर्टी टू फोर्टी फोर्टी इज काउंटेड इन दिस क्लास यहाँ पे क्या है थर्टी टू फोटी है उसके बाद फोर्टी वन से फिफ्टी वन है फिर फिफ्टी टू से सिक्सटी टू है तो इस क्लास की अपर लिमिट फोर्टी थी बट वो उसकी लोअर लिमिट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा थर्टी टू फोर्टी में ही हम फोर्टी को काउंट करेंगे उसके बाद फोटी वन से फिफ्टी वन में ही नहीं करेंगे पहली क्लास में ही काउंट कर लेंगे नोट वेनएवर वी यूज़ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इंटू एक्सक्लूसिव टू हैव कंटिन्यूटी जब भी हमें इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं फॉर दिस केस इंटरवल एक्स वाई is inclusive then in exclusive the class interval become x minus h upon 2 y minus h upon 2 h kya pe hai hai, lower limit of class minus upper limit of previous class divided by 2 for example class interval inclusive kya hai 10 to 20 21 say 31 32 say 42 43 से 53 इस तरीके से चल रहा है हमारा ये क्या हमारा इंक्लूसिव तो हम इसको चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट फाइव जो है यहाँ से जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में पॉइंट फाइव ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा नाइन पॉइंट फाइव और ट्वेंटी पॉइंट फाइव यहाँ से हम पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो ट्वेंटी पॉइंट फाइव थर्टी वन पॉइंट फाइव सेम इस तरीके से करते रहेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा एक्सक्लूसिव में नेक्स्ट एग्जाम्पल है. लेते हैं इन एग्जामिनेशन द मार्क्स सिक्योर्ड बाई फिफ्टी स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो फिफ्टी स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं हम मार्क्स को अरेंज करेंगे जीरो से टेन ग्रुप बना देंगे जीरो से टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी से फिफ्टी हम यहाँ पे देख लेंगे कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं तो उनके बीच की क्लास बनाएंगे आप टेली मार्क्स हो जाएंगे जीरो से टेन वाले हो जाएंगे सेवन टेन टू ट्वेंटी हो जाएंगे टेन ट्वेंटी से थर्टी हो जाएंगे ट्वेल्व थर्टी से फोर्टी हो जाएंगे सेवन फोर्टी टू फिफ्टी फोर्टीन टोटल कितने होने चाहिए फिफ्टी स्टूडेंट होने चाहिए तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं ये एक्सरसाइज है ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा